अस्सलाम वालेकुम, सूरत अल इराफ जो है वो हमने स्टार्ट की हुई थी और 147 जो है ना 147 जो है हमने आयतें कर ली थी और 148 से जो है अब हमने स्टार्ट करना है। और हज़रत मूसा का जो पूरा वाक्य है, पूरी डिटेल है, वो फिर आपको पिछली वीडियो से जो है ना मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट आयत से स्टार्ट करेंगे तो इसका पीछे पूरा बैकग्राउंड है, जो कि आपको पिछले जो लेक्चर्स हैं ना, वीडियोस, वो देख के आपको जो है ना, उनको सुन के देख के आपको आइडिया हो जाएगा, सारी डिटेल जो बैकग्राउंड है ना वो समझ आ जाएगा। 148 वत खाजा और जो है लिया कौम मूसा, मूसा की कौम ने, यानी कि वत खाजा बना लिया कौम कौम मूसा, मूसा की कौम ने, में बाद ही इसके बाद, यानी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पे बुलाया था, 40 जो दिन रात हैं उनने वहाँ पे गुजारे थे, उसके पीछे उनकी कौम जो थी, जो कि हमने पिछले जो रुकू है उसमें भी पढ़ा था कि हज़रत मूसा जो है वो अपनी कौम की जो है उनकी हदायत के लिए और उनके जो है सही रास्ते पर कायम रहने के लिए अपने भाई हारून को छोड़कर गए थे कि वो उनकी इस्लाह करते जाएं ताकि वो जो हैं गुमराह ना हो जाएं। लेकिन वो जब गए हैं मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनके बाद जो उनकी कौम थी बनी इसराइल की, तो उन्होंने क्या किया, मिन हुलीयिहिम, यानी हुलीयी होता है सोने को कहते हैं, कि जो उनके पास जितना ज़्यादा सोना था ना, उससे उन्होंने ना वो बना लिया, इजलन बछड़ा बना लिया, जासदन जो जिस्म वाला था, लाहू खुआर, और उसमें से निकलती थी खुआर, मतलब गाय की आवाज़। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम जब गए हैं, तो उनकी जो कौम थी, तो उनके क्योंकि बनी इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। अब हमने पीछे भी पढ़ा था कि फिरौन जो है वो, उन्होंने इनको ग़ुलाम बनाया हुआ था ना बनी इसराइल को, बनी इसराइल जो थे वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते थे फिरौन के दौर में, इसलिए तो फिरौन इनको जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो सारा मजदूरी का काम जो थे वो बनी इसराइल से लेते थे, इसलिए ये एक्सपर्ट्स थे इन चीज़ों के अंदर, मजदूरी के काम में। अब ये जो इतने बड़े बड़े अहराम मिस्र हैं, वो जो आपने तकौन फॉर्म में देखा होगा मिस्र के अंदर, इतने बड़े बड़े जो हैं वो, उनके अंदर जो हैं बनी इसराइल के मज़दूरों की मेहनत शामिल है, वो उनकी आप स्किल्स देखें कि किस तरीके से उन्होंने वो तकौन नुमा जो हैं इतने बड़े बड़े अहराम जो है ना मिस्र के अंदर बने हुए हैं, तो वो जो है इस वजह इन्हीं की स्किल्स को यूज़ करते हुए, सामरी एक जादूगर था, वो भी इन्हीं के अंदर शामिल था, उसने जो है ना जितने भी जेवरात थे ना लोगों के, इकट्ठे करके उनको पिघलाया और एक जो है ना बछड़ा बनाया, और उसको फिर बनाने के बाद उसको ऐसे तरीके से उसने बनाया था कि जब हवा क्रॉस करती थी उसके अंदर से, तो उसके अंदर से आवाज़ निकलती थी गाय जैसी, तो वही ना उस चीज़ को देख के लोग, कुछ लोग जो थे बनी इसराइल के, वो इम्प्रेस हुए और उन्होंने उसको खुदा बना लिया, और इस तरीके से जो है ना वो भटक गए। अलम यरो अन्नहु ला युकल्लिमुहुम, तो फिर बाद में नहीं देखा, मतलब क्या उन्होंने नहीं देखा कि बेशक वो, यानी कि वो जो बछड़ा है, ला युकल्लिमुहुम, ला नहीं, युकल्लि ये काफ ला मीम, कलाम, कलाम के वर्ड से निकले, कलाम का मतलब होता है बातचीत करना, तो नहीं वो कलाम करता हम उनसे, यानी कि बनी इसराइल से, लोगों से, वो तो कलाम ही नहीं कर सकता, वो तो बेजान है बछड़ा जो है, वला यहदीम, और ना ही वो उनको हदायत दे सकता है सबीला, सही रास्ते के, इत्तखाज़ू, तो उन्होंने बनाया हो उसको, वकानु ज़ालिमीन, और थे वो ज़ालिम, यानी कि बछड़ा क्या कर सकता है, एक बेजान सी वो चीज़ है, उसको उसने मबूद बना लिया ना, वो तो अपनी खुद हफाजत नहीं कर सकता, तो वो लोगों, दूसरे लोगों की हिफाजत क्या करेगा, दूसरे लोगों को क्या, वो तो एक बेजान चीज़ है, तो वो कैसे आपसे हम कलाम होगा, आपकी फरियाद सुनेगा और आपके जो है मसाइल हल करेगा और आपको सीधे ही रस्ते की तरफ रहनुमाई करेगा, तो इस चीज़ को इन्होंने सोचा ही नहीं, और किस तरीके से उसको बछड़े को माबूद बना लिया और उसकी जो है ना परस्तिश करने लगे और उसको खुदा समझने लगे। यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से ज़्यादा समझ आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे उसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बनाया जिसमें से बैल की सी आवाज़ निकलती थी, तो क्या उन्हें नज़र ना आता था कि वो ना उनसे बोलता है ना किसी मामले में उनकी रहनुमाई करता है, मगर फिर भी उन्होंने उसे माबूद बना लिया और वो सख्त जालिम थे।
वही ना, अल्लाह तआला कह रहे हैं कि अलम यरो, तो उन्होंने देखा नहीं, अन्ना हो बेशक हो जो है ना, ये इशारा किया जा रहा है उसकी तरफ, बछड़े की तरफ। ला नहीं, यो कल्ली मुँह, तो वो कलाम ही नहीं कर सकता हूँ तुम लोगों से, वला और ना यह थी और ना हदायत दे सकता है तुम्हें सबीला रस्ते की। तो इतना खाजू हूँ, तो तुमने जो बनाया है वो नहीं है मगर ये कि तुमने अपनी जान पे खुद ही जुल्म किया है। तुमने जो उसको मबूद बना लिया है वो और अपने उसको मबूद बना के तुमने अपने जुल्म किया। हालांकि इनको मबूद नहीं बनाना चाहिए था बछड़े को, हालांकि अपनी आंखों से इन्होंने देखा कि अल्लाह ताला ने कैसे वो समुंदर जो है उसको उसके अंदर रास्ता बनाया और फिर इनको क्रॉस करवा के दूसरी तरफ लेकर आए फलस्तीन वाली साइड पे। और फिरौन जो है वो भी आ रहा था इनके पीछे पीछे, किस तरीके से अल्लाह ताला ने वो रास्ता बंद कर दिया और वो दो समुंदर थे वो आपस में मिल गए और जो फिरौन था वो समुंदर के अंदर जो है ना उसका पूरा लश्कर जो है गर्क हो गया। तो ये चीज़ें इन्होंने अपनी आँखों से देखी थी। मन और सलवा भी इनको मिला और बादल जो थे ऊपर इनके, मतलब हर चीज़ का मुआजज़ा इन्होंने अपनी आँखों से देखा, उसके बावजूद इन्होंने जो है बछड़ा बनाया और उसकी इबादत, उसको खुदा बना लिया। खुदा को देखने के बावजूद एक और खुदा बना लिया जो कि इनकी फरियाद भी नहीं सुन सकता, खुद ही बनाया अपने हाथों से और उसी को खुदा बना लिया। तो इन्होंने अपने आप पे जुल्म किया है। अब इसकी डिटेल जो है ना जुल्म की, ये भी है कि बनी इसराइल मिस्र से निकले थे, मिस्र में गाय की परस्तिश और तकद्दस का जो रवा। अच्छा, ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो अपना मोस्टली टाइम मिस्र में जो गुजारा था इन्होंने, तो जिस माहौल में आप रहते हैं तो वैसे आपकी ज़हनियत बन जाती है, आपके ऊपर वो चीज़ें, आपकी कंपनी असर करती है। तो ये वहाँ पे होती होगी ना मिस्र के अंदर गाय की परस्तिश और उसका तकद्दस भी था, इसी वजह से तो इस कौम, ये मुतासिर थी ये कौम, इससे ये कौम इतनी शिद्दत के साथ मुतासिर हो चुकी थी कि पैगंबर की पीठ मोड़ते ही उसने परस्तिश के लिए एक मसनूई बछड़ा बना डाला। हमने सूरत बकरा में भी पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला ने जब गायें को ज़िबा इनको करने के लिए की, तो ये उसमें भी इतने ज़्यादा बहाने इन्होंने बनाए कि फिर उसका रंग कैसा हो, उसकी छोट मतलब के जवान हो या बूढ़ी हो, इस तरह मतलब काफ़ी सवालात इन्होंने पूछे और अपने लिए मुश्किल खुद ही खड़ी की। तो वो उसकी वजह ये थी कि वो करना नहीं चाह रहे थे। वो क्यों नहीं करना चाह रहे थे? क्योंकि वो एक माहौल के अंदर रहकर आए थे मिस्र के अंदर और वहाँ पे जो है गायें जो थी वो खुदा उसकी परस्तिश की जाती थी, तो इस वजह से वो जो चीज़ थी ना उसकी मोहब्बत उनके दिलों में बसी हुई थी। इस वजह से तो मूसा अलैहिस्सलाम जब ऊपर गए हैं कोहे तूर, तो साथ ही इन्होंने जो है उसको माबूद बना लिया है, उसको बछड़े को। वलम्मा सुकिता फी अईदीहिम वरा औ, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब फिर जब उनकी फरेब हुर्दगी का तलस्म टूट गया और उन्होंने देख लिया कि दर हकीकत वो गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना फरमाया और हमसे दरगुजर ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि अवलमा फिर जब सुकी था फी आई दी, मतलब कि जब वो उनको होश आई है और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हाथों से क्या किया, वरा आओ और उन्होंने देख लिया, अन्ना हूँ तो बेशक फिर उनको आया ख्याल, कद दलू के वो गुमराह हो चुके हैं, कालू तो फिर उन्होंने कहा अल्लाह ताला से कि ला इन लम, कि अगर तूने हमें हमारे ऊपर यरहम ना, हम पे रहम ना किया, रब्बू ना हमारे रब ने, व यग़फ़िर ना और हमें ना बख्शा, तो ला नाकुन ना, तो हम ज़रूर हो जाएंगे मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। तो फिर उनको होश आ गई, उनमें से जिन्होंने ये गुनाह किया था तो उनमें से कुछ लोग जो थे ना उनको होश आ गई थी और उन्होंने कहा कि ये हमसे गलती हुई है। फिर उन्होंने जो है और उनको लगा कि ये हम जो है ना सीधे रास्ते से गुमराह हो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर अल्लाह ताला से, तभी जब उन्होंने जब उनका एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से जो है रहमत जो है मांगी और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला अगर आपने हम पर रहम ना किया, हमसे दरगुजर ना किया, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये दुआ भी है जो कि हम भी याद कर सकते हैं और दुआ मांग सकते हैं कि ला इलम यर हम ना, कि अगर तूने हम पे रहम ना किया, रब्बू ना ए हमारे रब, व यग़फ़िर ना और बख्शा हमें, ला ना कुनन ना, तो हम ज़रूर हो जाएंगे मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। वलमा और जब राजा आ मूसा, वलमा और जब राजा रजू होता है ना, रजू कहते हैं पलटने को, तो ये उसी की रूट फॉर्म है, रेजीम आइन रजू। राजा आ मतलब कि रजू किया यानी कि वापस जब पलटे हैं मूसा अलैहिस्सलाम इला कौमी अपनी कौम की तरफ,
गज़बान यानी कि गुस्से की हालत में, वह आसिफा और साथ ही अफसोस भी उन्हें था। तो काला, तो फिर उन्होंने कहा बिस समा, फिर उन्होंने अपने भाई को कहा, क्योंकि वो अपने भाई को ये ज़िम्मेदारी देकर गए थे ना, उनकी हिदायत की उनको ताकि वो सीधे रास्ते से ना भटकें, वो ये ज़िम्मेदारी देकर गए थे हारून अलैहिस्सलाम को। तो उन्होंने फिर उनको आके कहा, गुस्से में भी आए हैं, उदासी भी थी उनके दिल में, और फिर उन्होंने सबसे पहले जो सवाल किया वो अपने भाई से किया कि कितना बुरा है तुम्हारा खलफ तुम्हें, जो तुमने मेरे पीछे जो की है, तुम्हें जो मैं अपने पीछे छोड़ कर गया हूँ, अपना नाइब बना कर गया हूँ, तो तुमने कैसी जो ज़िम्मेदारी अपनी जो है कैसे पूरी की है, मेरे बाद ही मेरे बाद इतनी बुरी ज़िम्मेदारी तुमने की है मेरे पीछे, अजल तुम के, और तुमने यहाँ तक कि तुमने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया, अमरा रबी का रबी कुम, मतलब कि अपने रब के हुक्म का भी तुमने इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है वो कोहे तूर पे लेने ही, वो तुरात लेने गए थे ना, जिसपे हदायत लिखी हुई थी, जिसमें सारे हुक्म लिखे हुए थे। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम वही हारून अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि तुम इंतज़ार तो कर लेते, मैं अल्लाह ताला का जो है अल्लाह ताला के पास गया था और हदायत ही लेने गया था, वो जो तख्तियाँ जो थी जिनके ऊपर तौरात पूरी अल्लाह ताला ने लिख के दी थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो ये जो है ना, जब मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, यहाँ से देख लेते हैं, उधर से मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से और रंज में भरा हुआ, रंज से भरे हुए अपनी कौम की तरफ पलटा, पलटे आते ही उसने कहा कि बहुत बुरी जानशीनी की तुम लोगों ने मेरे बाद, क्या तुमसे इतना सब्र ना हुआ कि अपने रब के हुक्म का इंतज़ार कर लेते। वही ना, मतलब सबको पता था बनी इसराइल की कौम को कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए हैं और अल्लाह ताला ने बुलाया है, और वहाँ पे जो है और किताब लेने गए हैं तौरात, जिसके अंदर पूरी हदायत होगी, जिसमें पूरा जो है अल्लाह ताला ने सारी बातें बनी इसराइल को बता दी हैं, हदायत उनके ऊपर उनको पूरी बता दी है कि किस तरीके क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, हर ज़िंदगी के पहलू के बारे में जो है तौरात के अंदर लिख दिया गया है। तो वो चीज़ उनको पता थी बनी इसराइल को कि अल्लाह ताला ने बुलाया, लेकिन फिर भी उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार नहीं किया, और उनको जो ठीक लगा उन्होंने वो किया, और उनको क्या ठीक लगा, बछड़ा, उसको उन्होंने मबूद बना लिया। ये भी नहीं सोचा कि चलो अगर ये ख्याल आ भी गया तो मूसा जब आएगा तो तभी हम उनसे उससे मशवरा कर लें, उससे बात करके फिर कुछ ऐसा करें, लेकिन नहीं। तो इसी चीज़ पे वो मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा हो रहे थे ना कि तुम कम से कम अपने भाई को भी, वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ कर गया था, तुमने कितनी बुरी जानशीनी मेरे बात की है, तुमने इंतज़ार भी नहीं किया अपने रब के हुक्म का, जो कि मैं लेने गया था ऊपर कोहे तूर पे। वो अलका, और उन्होंने डाला अलवाह, तख्तियाँ थी ना जिनके ऊपर लिखा हुआ था, वो उन्होंने साइड पे रखी होंगी ना तख्तियाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने। वह आखाजा, और उन्होंने पकड़ा बिरासी, सर को, रास कहते हैं सर को पकड़ना, पेशानी को, आखी ही अपने भाई की, आखी भाई ही अपने भाई को, या जुर्रहू अलैहि ही, और उसको फिर झटका है अपनी तरफ, यानी कि इतना गुस्सा था ना मूसा अलैहिस्सलाम को अपने भाई के ऊपर कि उनका सर पकड़ा है बालों से और अपनी तरफ झटका दिया है। काला, और कहा, तो फिर हारून अलैहिस्सलाम आगे से क्या कहते हैं, हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं, फरमाते हैं, इब्ना उम्मा, मेरी माँ के बेटे, इन्ना बेशक कौमा, कौम जो थी, इस्तदअफूनी, इस कौम ने मुझे, मतलब कि उस इसके सामने मैं कमज़ोर हो गया था, ज़ईफ़ होता है ना वर्ड, ज़ुआत ऐन फ़े, इसकी जो रूट फॉर्म है ना वो आप देखें ज़फ़ से, तो ये ज़ुआत ऐन फ़े ये इसका रूट वर्ड्स हैं, मतलब कमज़ोर को कहते हैं ये, ज़ईफ़ भी तो हम कहते हैं ना कमज़ोर, तो ये उसके रूट फॉर्म है ज़ुआत ऐन फ़े नी। तो वो आगे से हारून अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैंने तो कोशिश बहुत की थी इनको समझाने की, लेकिन मेरी इनके ऊपर नहीं चली और मैं इनके सामने कमज़ोर था, और इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार ही डालते, वह कादू, और थे वो यक्तुलून नानी, कि मुझे अनकरीब कत्ल ही कर देते। फला तो तू ना तुष्मित, तो तू खुश कर हंसा बिया मुझ पर अदा दुश्मनों को। तो आगे से हारून अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरा कसूर नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर गलबा हासिल कर लिया था और मैं कमज़ोर था इनके सामने, और अनकरीब था, ये हो सकता था कि ये मुझे कत्ल ही कर देते। तो तुम जो मेरे बालों से तुमने मुझे पकड़ा हुआ है, गुस्सा मुझ पे कर रहे हो, इस पे तुम मेरे जो दुश्मन है उनको हंसाओ मत। वला तज अलनी, और जो है,
वला तजअलनी माल कौम ज़ालिमीन, और मुझे ना बना और मुझे उनमें शामिल ना कर माल कौम ज़ालिमीन, जो कि ज़ालिम कौम है। ज़ालिम कौम मतलब जिन्होंने जुल्म किया, यहूदी बनी इसराइल में से जो लोग थे जिन्होंने बछड़ा बनाया था और जुल्म किया ना, बछड़ा बना के शिर्क किया, ये गुनाह शिर्क का गुनाह था। हालांकि उन्होंने अल्लाह ताला को मौजज़े को देख लिया था, अल्लाह ताला को पहचान भी लिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो शिर्क किया है तो उन्होंने जुल्म किया ना। तो हारून अलैहि सलाम कह रहे हैं कि मुझे इस कौम के साथ शामिल ना करो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। काला, तो फिर हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि रब्बी, ऐ मेरे रब, इग़फिर ली, तू बख्श दे मुझे, वली अखी ही अखी और मेरे भाई को भी, वह अदखिलना और हमें दाखिल कर ले, फिर रहमती का अपनी रहमत में, वह अंता और तू अरहमुर राहिमीन, बहुत ज़्यादा जो है रहम करने वाला है। तो फिर उसके बाद जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह ताला से दुआ की और कहा कि अल्लाह ताला तू हमें बख्श दे और तू बेशक जो है रहम करने वाला है। फिर अपने लिए भी बख्शिश मांगी, अपने भाई के लिए भी मांगी और रहमत की भी तलब की। मतलब ये पूरा जो वाकया ना, ये वो वाला है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हे तूर पे जब चले गए थे तो उनके पीछे से और अपनी जानशीनी के तौर पे अपने भाई हारून को छोड़कर गए थे। लेकिन वो जो थे वो कम, हालांकि वो भी समझाते रहे हैं, जब इन्होंने बछड़ा बनाया सामरी जो जादूगर था, तो हारून अलैहि सलाम ने उनको समझाया भी कि ये चीज़ गलत है जो तुम कह रहे हो, लेकिन वो नहीं समझे ना, नहीं समझे। और उन्होंने वो पूरे सारे सोने इकट्ठे करके उसको भी पिघला के तो वो बछड़ा बनाया, फिर उसको खुदा बना लिया, तो शिर्क किया। तो वो जब इन्होंने शिर्क किया तो उसमें से कुछ लोग थे जिनको एहसास हो गया था, इसलिए तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला अगर तूने हमें ना बख्शा तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने जो इसके अंदर शामिल थे, जिसने सामरी जादूगर जिसने ये बनाया, तो अल्लाह ताला ने फिर सज़ा के तौर पर जो लोग इन्वॉल्व थे ना बनी इसराइल में, फिर उन्हीं जो जिन जिस कबीले से वो बन जो जो लोग शामिल थे उनको उन्हीं के हाथों जो है कत्ल किया। और जिन्होंने बख्शिश मांग ली थी, मतलब माफ़ी मांग ली थी, उनको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। और पूरी कौम ने जब माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने बाद में इनको इस शिर्क के गुनाह की वजह से माफ़ भी कर दिया था। तो आगे जब हम अगला रुकू करेंगे ना तो उसके अंदर जो है ज़्यादा डिटेल आ जाएगी। तो उसमें ना मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बताया गया है। मतलब आप देख लें कि हालांकि इतने बड़े बड़े मौजज़े बनी इसराइल ने देखे हैं अपनी आँखों के सामने, तो उसके बावजूद जो है उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। इससे पता लगता है कि आप जिस माहौल के अंदर रहते हैं तो वो उसके असरात आपके अंदर रहते हैं। चाहे आप हकीकत के अंदर भी आ जाएं, आप थोड़ा सा अपना चेंज भी कर लें इन्वायरमेंट, तो वो जो पिछली आपकी ट्रेनिंग या तरबियत या वो जिस जो माहौल होता है उस तो उसके असरात जो है ना वो आपके अंदर रहते हैं। थैंक यू।